अंत न पाया। यहाँ पर हमने पार्किंग लगा दी है, बाइक पे ही पार्किंग है और अभी यहाँ से ट्राई स्टार्ट होने वाला है। तो पहले कुछ खाते पीते, कपड़ों की हालत खराब की ज़्यादा, लेकिन है मैं वहीं पर रेणुका जी के पास होटल में छोड़ चुका हूँ। थैंक यू सर। आपका नाम? गोगी जी। थैंक यू सो मच। गोगी भाई ने हमारे बहुत हेल्प करी और यहाँ पर अभी टेंट लिया हमने रेंट पे, वो भी दूर रहे सीख रहा हूँ, पहली बार किसी पहले कभी नहीं करा। तो भाई जी हमें बता रहे कैसे कैसे सीखना है। आपका नाम क्या भाई जी? तेज नारायण जी है। ये हमें टेंट जोड़ना सिखाएंगे, अभी बताते जाओ। टेंट तैयार हो गया, थैंक यू सो मच सिखाने के लिए। रात को ऐसे ही रहेगा कुछ, फिर चलो फिर हम निकलते फटाफट। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ साफ साफ। पहली बात, नीचे अगर कोई भी कुछ बोलता है, जैसे नौराधार में जहाँ से चूड़धार की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से आपको बोलता आपको सबसे पहले कि सेफ्टी के अलावा कि भाई वहाँ पर ये खाना मिलता, रहने के लिए नहीं मिलता, ये नहीं है वो भी नहीं, तो भाई कुछ मिल पाना, वहाँ सब कुछ मिलता है। वो लोग इसीलिए बोलते ताकि उनकी कमाई हो जाए और लोगों को बस भूतिया बनाते, पर ऊपर सब कुछ मिलता है। उसके अलावा अगर आपको रेंट पे कैंप लेना है और ऊपर जाके रहना है, तो आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए ऊपर रहने के लिए, क्योंकि ऊपर रात को इतनी तेज़ हवा चलती है, इतनी तेज़ और इतना ठंडा हवा चलता है यार, हालत ख़राब हो जाती है। अगर आपके पास गर्म कपड़े नहीं हो तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी और मैंने इसमें चला जाता है वहाँ पर सेल्सियस जो हमें लगा। और ट्रैकिंग का सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप 1 बजे तक पहुँचते हो नौराधार, तो भाई ट्रैकिंग मत करना ऊपर, क्योंकि जाते जाते शाम हो जाएगा और तुम्हें अगर रास्ते में कुछ नहीं मिला ना तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ अगर 1 बजे से दिन के अगर 1 बजे तक आप वहाँ पहुँचते हो तो भाई ट्रैकिंग मत करना, अगर उससे पहले पहुँचते हो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो भाई रुक जाना वहीं पर नौराधार में होटल वोटल लेके, अगले दिन सुबह 8-10 बजे तक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देना ऊपर जाने के लिए, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके अलावा ऊपर जो रहने के लिए मिलता है वहाँ पे अच्छे से बना रखा उन्होंने, मात्र आपको 250 रुपये में रहना प्लस खाना मिलता है, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और वहाँ पे जहाँ पे भाई कुछ है ही नहीं वहाँ पर आपको इतना बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, आपको सिर्फ 250 रुपये में रहना प्लस खाना मिलता है वहाँ पर। अगर अकेले जा रहे हो या दोस्तों के साथ भी हो तो जो रास्ता दिख रहा है ना उसी पर चलते रहना, रास्ते में कहीं कहीं जगह पर पगडंडी, छोटी छोटी पगडंडी बनी होती है शॉर्टकट के लिए, वो शॉर्टकट मत लेना जब तक पूरा कॉन्फिडेंट ना हो, नहीं तो अगर जंगल में एक बार तुम घुस गए ना तो भाई वापस आने का कोई चांस ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं। तो जो भी रास्ता दिख रहा है बस उसी पर चलते रहना, शॉर्टकट मत लेना, कि वहाँ पे लोग मिलेंगे नहीं तुम्हें बताने के लिए कि भाई तुम सही रास्ते जा रहे हो, वहाँ कोई होता ही नहीं है, बहुत ही कम लोग मिलते हैं वहाँ पर। सारा चीज़ रहने वहने खाने पीने के लिए जुगाड़ करके स्टार्ट हो गए। अब बस देखो कितने देर में पहुँचते हैं, कहाँ से पहुँचते हैं। और ये देखो ये सीधे खड़ी चुराई, तो टोटल कह रही है 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर चलते चलते आपको 6-7 घंटे ज़्यादा लग सकता है या कम भी लग सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरी सांस तो अभी से फूलने हो गई, बाकी मैंने सब कुछ तो है, स्लीपिंग बैग भी है, टेंट भी है, तो वहाँ वापस आने कोई प्लान नहीं है। नीचे जो बाइक को हमने पार्किंग में लगा दिया, तो चलते चलते बहुत दूर आ गए। जाते हुए तो कोई बंदा नहीं दिखा, बस आते हुए दिखे थे 5-6 बंदे, एक आते हुए दिख रहा था। और यहाँ पर आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं,
ये सीधा भी यहाँ तक जाना है। और यहाँ के जो नज़ारे की बात करूँ तो वो पूरे बादल बादल आए हुए हैं यहाँ पे। और इस टाइम अभी इधर वाले देखो, ऐसे मुझे लग रहा है बारिश वाला बादल है, ये बारिश वारिश होने की तैयारी कर रहे हैं। और बादल भी काफ़ी तेज़ में मूव कर रहा है। और यहाँ से पूरी पीछे पीछे की पूरी नज़ारे देखो, क्या अल्टीमेट आ रही है, पूरा शहर दिख रहेगा यहाँ से। तो अभी बस पानी वानी पीते यहाँ से, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ पे। आगे अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वैसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास सारा चीज़ है, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस अभी निकलते हैं, बस पाँच मिनट और उसके बाद फिर दोबारा से इन रास्तों पे भटकते हुए हम निकल पड़ेंगे अपने मंजिल की ओर। अभी हम यहाँ पे चौड़ाधार में रुके, ऊपर चूड़धार या चौड़ाधार, वहाँ पे हमने देखो टाइम लैप्स लगा रखा है आईफोन में। और यहाँ के नज़ारे देखो, इसका भी टाइम लैप्स आने वाले हैं, तो व्यू अल्टीमेट आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर अभी रुकते हैं, कुछ खाते पीते फिर आगे के लिए निकलेंगे। मज़ा आ रहा है, अल्टीमेट व्यू आ रही है यहाँ पे। एक बात और बता दूं, उधर तो नहीं था पर यहाँ पे जगह जगह, जैसे जंगल स्टार्ट होता है जगह जगह पे आपका लिखा हुआ है पेड़ों पे, देखो मंदिर का रास्ता, ऐसे आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह लिखा हुआ है, जहाँ से आपको तकलीफ़ नहीं होगी और मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, रास्ता ढूंढते ढूंढते आप पहुँच सकते हो। तो चलते चलते आ गए हम जंगलों में। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट है पर वहाँ से अभी कॉफ़ी पी के आए, सांस फिर से फूलने लग गई। और यहाँ की नज़ारे जंगल से होते हुए वो गए। तो यहाँ पे देखो बुल आ गया, वैसे उन लोगों ने बोला था कि बस इनसे बच के रहना, तो बस हम उसको ऊपर जाने दो, हम चुपचाप निकल जाएंगे यहाँ से। रास्तों में बस इन चीज़ का बस ध्यान रखना है, छेड़ने की जरूरत नहीं है इनको, भाई मत देखे अदर प्लीज़।
जा हम जा रहे हैं। ओके बाय, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। वैसे कुछ करते नहीं है फिर भी सेफ्टी रखना, छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको तंग नहीं करना तो हमें वो तंग नहीं करेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो मेरे पानी ख़त्म हो चुके हैं, पर कह रहे हैं यहाँ पे जो पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो पी सकते हैं, पीने लायक है, पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी का जुगाड़ हो चुका है। देखो यार जिस जगह पता नहीं अब दोबारा कभी देखने को मिलेगी, पर अच्छा लग रहा है कि ये दिन हमें मिला आने के लिए। ऐसा क्या हो गया, हमारा बोतल ना ख़त्म हो गया, जहाँ से हमने चाय पिया था ना वहाँ पर उन्होंने बोला था आगे जाके भर सकते हो, पर अभी मिला नहीं। अभी ये भाई मिले, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने ये जो नेचुरल सोर्स के बोतल भरा हुआ आगे कह रहे, उन्होंने ये हमें दे दिया, उनके लिए थैंक यू मैंने बोल दिया उनको वैसे। तो चलो पानी का जुगाड़ हो गया और रास्ते में अकेले जा सकते हैं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो अभी रेस्ट हो गया, चलते हैं, बहुत टाइम अभी। ये मुझे कटहल का पेड़ लगा, पर वो उसके तरह कटहल के पेड़ की तरह ही है, पर कटहल का पेड़ नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर ठंड शुरू हो गई है क्योंकि सूरज ना छुप चुका है इस पहाड़ी के पीछे, तो ठंड इसलिए शुरू हो गया और ठंड और इससे भी ज़्यादा लग रहा है। हम चल चल के जो है पसीने से अंदर पूरा गीला हो चुका है, तो उसके वजह से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और चढ़ी खड़ाई चढ़ाई और भी ज़्यादा स्टीम सा होने जा होते जा रहा है। मैं इतने देर से अकेले भटक रहा था, यहाँ ये भाई मिल गए सोने वाले, इनके साथ जा रहा हूँ अभी। सब के सब हाय कर दो एक बार। हेलो हेलो, लो 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 भाई आ गए सारे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते फिर निकलेंगे आगे के लिए। एडवेंचर की कमी नहीं है यहाँ पर, मैं जैसे बोल रहा था। अब ये देखो ऊपर जाना हमें, चलो चलते हैं बिना टाइम। बता नहीं सकता कितनी जबरदस्त वाली फीलिंग आ रही है, और मेरे आसपास ना जो हम कहते हैं ना, मैंने बोला था आज बादल के ऊपर जाएंगे। देखो भाई ये लोग तो मुझे मजे आ रहे हैं, और यहाँ से देखो बादल, देखो बादलों के ऊपर हम आज आज गाने गा सकता हूँ, आज हम ऊपर आसमान में हैं। यार सीमेंट भी हो यार, ये वाली फीलिंग में बता नहीं सकता मैं, मेरे पैर कांप रहे हैं यहाँ पर खड़े खड़े, और यार कुछ नहीं हो सकता। और यार सीमेंट
देखो ये बादलों के ऊपर है जो ये आ रहा है, ये बादल है, सूरज ही पता नहीं ढक चुका है पता नहीं, और ये पूरा नवेली ना बादलों से कवर हो रहा है यहाँ पे। क्या अल्टीमेट व्यू है यार, हम यहाँ पे ऊपर है, मेरे पैर कांप रहे कसम से, पर यार अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट है सब अल्टीमेट। तो ये है हैरी पॉटर वाला पेड़, देखो पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब सा खाली खाली सा, पूरा इंसान आ सकता है इसके अंदर। तो ये देखो हम अभी पता नहीं पेड़ों के बीच के अंदर है, पता नहीं किस टाइप का पेड़ है, यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ, बस बाहर निकल लो। हम अभी पेड़ों के अंदर से आए, हैरी पॉटर वाले पेड़ है ये। यहाँ पर भी चूहा हुआ था जो भाग गया, यही सही है रात गुजारने के लिए, ऐसे वाले अगर जगह मिल जाए ना ऊपर में तो हम इसी के अंदर रह सकते। तो अभी यहाँ से कह रहे ज़्यादा खड़ी चराई नहीं है, बस सीधे फ्लैट है, हमने सोचा तो वहाँ पर चाय पी लें, पर चाय बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया मैं रुके रुके। तो अभी हम फ्रेंड्स निकल पड़े, आगे क्या होने वाला कुछ नहीं पता, धूप आ गई है, बादलों के बीच में हम चारों तरफ से देखो, ये है 6 किलोमीटर कह रहे हैं, अभी पहला है पड़ाव, दो पड़ाव और आगे 6-6 किलोमीटर का, बहुत टाइम लगने वाला है, मज़ा आ रहा है पर बहुत टाइम लगना है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है, दिल्ली वापस जाना है। ये देखो यहाँ खड़ी चढ़ाई की ख़त्म ही नहीं हो रही, और ये बंद भी नहीं होने वाले, इतने ऊंचे ऊंचे जाते जाना, नज़ारे देखो यार, क्या व्यू है यहाँ का, अल्टीमेट व्यू है। और चलते चलते तो मेरी आवाज़ भी इतनी मोटी हो गई है, तो मुझे आवाज़ भी ज़्यादा पसंद आई कि यही आवाज़ अच्छी मुझे, ये बहुत ऊँचा जा रहा है। तो यूं ही जंगल में भटकते भटकते हो गए रात, और सूरज बाबा जा चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, हमें चलते चलते हो गया सा अंधेरा, और यहाँ हम कहाँ रुके हैं हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि चारों तरफ अगर घुमा के मैं आपको दिखाऊं तो कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे, ये बस यहाँ पे आग दिख रहा है, आग जलता हो, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमने टेंट वेंट यहीं लगा ली भाई के, ये और तो इस टाइम यहाँ पे ऐसे हो रखा है कि इतनी ज्यादा ठंड है, हाथ बहुत सब जम हो चुका है, और ये देख लो सारे पेड़ तोड़ दिए। नाम बताओ भाई जी अपना। भाई मेरा है सुमित, सुमित और आपका यूट्यूब चैनल भी था ना? हाँ, मेरा एक्सप्लोरिंग भाई जी से यूट्यूब चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दिए, देख लिया वीडियो हमारी। आप अपना नाम बताओ। हिमांशु शर्मा। आप अपना नाम बताओ। हार्दिक आंगिरस। मेरा नाम कार्तिक आंगिरस। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला पहला बच्चा है जो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पहला बच्चा हूँ, बहुत ज्यादा ये एक्साइटमेंट है, काफी एक्टिव बच्चा है, काफी एक्टिव है। तो इतनी मेहनत चल रही है यहाँ पे, और ये लकड़ी हम जंगल से टाके ढूंढ ढूंढ के लाए, देखो छिलविल भी गया, और क्या होने वाला हमें नहीं पता। तो यहाँ पे ना बता नहीं सकते आग जलाने के लिए हमने क्या क्या मेहनत करा है, सारे भाइयों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करा, लकड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, ठंड देख सकते हो, ठंड से तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, ठंड यहाँ पे इतनी हो रखी है, बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, दिन में तो धूप था तो उसके वजह से पता नहीं चल रहा था, पर अभी जो इतनी ज्यादा ठंड है ना उसके वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। वो ये आग है जो हमने जला दी कोशिश कर करके यहाँ से, देखो ये लकड़ी, ये सारी लकड़ियाँ ना हम इधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए, और आसपास देखोगे तो पूरे चारों तरफ वही अंधेरा 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 छाया हुआ है। ये कैंप है ये हमारा, ये भाई आज के लिए फिलहाल हम यहाँ पर हैं। अंत न पाया अंत वे अंत तेरी, ये भटक के आ गया पता नहीं कहाँ से।
तो अभी जो हम यहाँ पे हैं अंधेरे में, पीछे देख लो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो बस भोले बाबा की कृपा है। सारे भाई लोग हर हर महादेव, हर हर भोले, हर हर भोले, भोले 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 भोले। ये कृपा है भोले बाबा की, हम सारे सबकी मेहनत है लकड़ी ढूंढने में। तो अभी उड़ते उड़ते खबर आई, चौपड़ से आया था खबर, हमारे साथ एक भाई है हिमांशु नाम से, ये गाना बहुत अच्छा गाता है। तो अभी सर मारा, बस तैयारी चल रही है, उसके बाद गाना गाए। चलो चलो, चलो भाई जी शुरू हो जाओ, दे उसको थोड़ी मोटिवेशन दे। चलो हिमांशु 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 चल मांशु, हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। तो कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है, आप ठीक हो? मेरे को टाइम लगेगा। हां कोई याद है, मेरे सारे दोस्त यार थे कमीने, जैसे भी थे अच्छे ही थे, सोना थे चांदी थे हीरे भी थे, यादे वो यादे, मेरे सारे दोस्त यार थे कमीने, कॉलेज में जाना लड़कियां पटाना, पढ़ने के बहाने थिएटर में जाना, याद आता है मुझको यारो, जैसे थे अच्छे थे यादे। तो यूं ही हंसते गाते नाचते हमारे रात कट रहा था, फिर हमें वहाँ पर आग से दूर, और जैसे हम आग से दूर हुए हमारी हालत ऐसे ख़राब हुई, स्पेशली मेरी, क्योंकि मेरे पास और भी गर्म कपड़े नहीं थे, ना तो टेंट काम कर रहा है ना स्लीपिंग बैग काम कर रहा है, और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई तो बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है रात को। आगे खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पीपीएल गुड, और मिलते हैं कल सुबह, और देखते हैं कल सुबह हमारी हालत कैसे होती है और क्या क्या होता है और क्या बचता है हमारे पास।